पटना में आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज बीजेपी की सोची समझी साजिश है और महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। जब एनडीए की सरकार थी सारे पदाधिकारी उसी समय के नियुक्त हैं और वह उसी के इशारे पर अभी भी चल रहे हैं, जिसने संघियों के इशारे पर शिक्षक अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज करने का कृत्य करने का काम किया है। इसे हमारा संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उपर्युक्त बातें। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिसिया लाठीचार्ज के खिलाफ पटना जिला प्रशासन का पुतला दहन करते हुए एआईएसएफ के बेगूसराय जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार और पूर्व जिला मंत्री विश्वविद्यालय संयोजक किशोर कुमार ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा, हमारा संगठन मांग करता है कि एनडीए सरकार के समय जैन नियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हो और तत्काल पटना एडीएम को बर्खास्त करें। ज्ञात हो कि पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर एडीएम द्वारा पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय जिला परिषद के बैनर तले एसबीएसएस कॉलेज से एसबीएसएस कॉलेज अध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में कॉलेज गेट पर पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार कर रहे थे। पुतला को मुखाग्नि रोशन कुमार ने दिया। कार्यक्रम के दौरान बेगूसरायंचल मंत्री भोला जैन, भारती कॉलेज अध्यक्ष समीर कुमार, कोऑपरेटिव कॉलेज राहुल, अंशु, कुंदन, रणवीर, मनीष, अंकित आदि उपस्थित रहे। एसएस कॉलेज के सामने पुतला दहन किया। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कल शिक्षक अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था और अपना मांग कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है वहां के एसडीओ के सिंह के द्वारा छात्रों पर, शिक्षा अभ्यर्थियों पर दुर्भाग्यपूर्ण लाठीचार्ज किया। उससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, काफी छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए। मैं सीधे तौर पर सरकार से मांग करता हूं कि उच्च स्तर की जांच करें, जो भी उसमें प्रशासन दोषी है उस पर उच्च स्तर की जांच करके उचित कार्रवाई करें। जब तक छात्र छात्राओं के न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे हुए रहेंगे। मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब से भाजपा सत्ता पर से बेघर हुआ है तब से भाजपा के अंदर बौखलाहट ज्यादा हो चुका है। मैं सीधे तौर पे नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी यादव से मांग करता हूं कि प्रशासन के अपने अंदर करें, अपने काबू करें और प्रशासन को सही ढंग से पूरे बिहार के अंदर चलाने का काम करें। मामला था पुतला दहन किया आज। आज हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। आपको पता होगा कि पिछले दिनों सीटेट पास विद्यार्थी जब अपना सातवें चरण का नोटिफिकेशन मांगने के लिए जब राज्य सरकार की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उन पर बेतुक रवैये से, उन पर डंडे से प्रहार कर छात्र छात्राओं को पीटा गया, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। पता होना चाहिए कि जब से सत्ता से बेदखल बीजेपी सरकार हुई है, छात्र हो चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, किसी को वो अपना समझते रहे, किसी सब पर वो ऐसे प्रहार करते जैसे वो देशद्रोही हो, जैसे वो आतंकवादी हो, उस तरह से उन पर हमला किया जाता है। कल के सिंह के द्वारा पिछले दिनों जब छात्र वहां पर आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे थे तो उन पर ऐसे लाठी प्रहार किया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी को हाथ तोड़ दिया गया है, किसी को लेडीज कांस्टेबल रहते हुए भी लेडीज को जब वहां के पुलिस प्रशासन जेंट्स पुलिस ने उनको उधर मारा गया, उसका विरोध कर गया। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों पता होगा जब राकेश सिन्हा यहाँ के राज्यसभा मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि सात शहीद स्मारक जो पटना में सचिवालय पर है वो आरएसएस का है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आरएसएस का अभी तक छात्र आंदोलन से लेकर आज़ादी के आंदोलन तक एक भी योगदान ऐसा नहीं है जो आरएसएस या बीजेपी का हो, जिनसे एक मच्छर नहीं मरता वो कहते हैं कि सात शहीद स्मारक मेरा है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। और अगर हम चेतावनी देना चाहते हैं, राकेश सिन्हा अगर बेगूसराय आते हैं तो हम उन्हें काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, उन्हें घेरने का काम करेंगे। इन बातों को लेकर आज हम लोग। क्या नाम हुआ? बसंत कुमार, एसएसएस कॉलेज अध्यक्ष है सर।